हाय गाइस, मैं हूं सुनील। फिर से एक नए वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। तो यार गाइस, आज मैं अपना सेटअप दिखाने वाला हूं कि यार मैं कैसे अपनी वीडियो शूट करता हूं। तो आप भी अपनी वीडियो शूट करने वाला हूं, मैं किस तरीके से शूट करता हूं तो आपको पूरी मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। यार तो आप इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होने वाला हूं कि आखिर में यार मैं कैसे वीडियो शूट कर सकता हूं। तो यार आप लोग भी किस तरह से अपनी वीडियो शूट कर सकते हो। यार गाइस, जो आप ये मकान देख रहे हो यहाँ पर, इस तरह का जो मकान दिख रहा है, तो यार गाइस ये मेरा खुद का मकान नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेरे अंकल जी का मकान है। मैं यहाँ पर वीडियो शूट करता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ मैं किस तरह से अपनी वीडियो शूट करता हूँ। तो आप पीछे जो देख रहे होगे यार, वो रिंग लाइट पड़ी हुई है, मैंने अभी कुछ दिन पहले उसे परचेस किया था। तो चलिए मैं आपको मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मेरा मैं सेटअप है, वो आपको बता देता हूँ आखिर मैं अपनी वीडियो यार कैसे शूट करता हूँ। तो चलिए चलते हैं। आप लोग देख सकते हो ये मेरी रिंग लाइट पड़ी हुई है, और अंदर का मैं आपको लुक बता देता हूँ कि जहाँ पर देख सकते हैं यार किस तरह से इसमें अंधेरा रहता है 24 घंटा। इसमें इतनी यार लाइट नहीं आती यहाँ पर सामान वामान, और जो आप पीछे का जो बैकग्राउंड देख रहे हैं वो वहाँ पर है, ठीक है। तो उस बैकग्राउंड से थोड़ा अच्छा खासा मेरे को दिखता है। और मैं देखो यहाँ पर सामने इसलिए मैं खड़ा कर रखता हूँ, मेरी जो रिंग लाइट को मैं सामने इसलिए रखता हूँ ताकि यहाँ से जो प्रकाश आता है, आप लोग देख सकते हैं कितनी रोशनी आ रही है यार अंदर से, जो कि आप रोशनी उस रोशनी के हिसाब से यार मेरे फेस पे अच्छा खासा चेहरे पे मेरी रोशनी रहती है, जिससे कि मेरा चेहरा यार अच्छा क्लियर नजर आता है। तो यार मैं यहाँ से शूट करता हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लगा के शूट करके बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर मोबाइल लगा देता हूँ, जो आप देखते रहोगे यहाँ पर मैं अपना मोबाइल लगाता हूँ, ठीक है। तो वह बाहर से जो रोशनी आती है वो सीधी यार मेरे चेहरे के ऊपर आती है, और मैं कभी कभी ये रिंग लाइट चालू भी कर लेता हूँ, जिससे कि और भी क्लियर आती है। तो चलिए मैं आपको रिंग लाइट चालू करके बता देता हूँ कितनी गजब की मेरे को देखने को मिल रही है। और ये मेरे खुद का घर नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर और भी चीज़ें बता देता हूँ। ये रिंग लाइट यहाँ से मैं आपको सीधे चालू करके बता देता हूँ, जो कि देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर रोशनी आ जाती है। और रोशनी आने से क्या होता है कि यार वो सामने जो लाइट आती है वो बहुत ही गजब की लाइट आती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ सामने का मेरा जो क्लियर चेहरा वो किस तरह से। आप लोग यार देख सकते हो कि मैं जब यहाँ से वीडियो शूट करता हूँ, जो यहाँ से रोशनी आती है, कुछ रोशनी यार पीछे से बाहर से आती है, और कुछ रोशनी इस रिंग लाइट की वजह से आती है, जो कि मेरे फेस को थोड़ा क्लियर कर देती है, और इससे यार मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ी हेल्प हो जाती है। बट मेरे पास शायद ये पहले कुछ नहीं था, मैं कुछ यूट्यूब की जो इनकम हुई थी यार मेरे स्पॉन्सर से, मैंने उससे ये रिंग लाइट परचेस कर ली थी, तो जिससे यार मेरे को थोड़ी बहुत यहाँ पर बैकग्राउंड कुछ अच्छे से मेरे को देखने मिले, जिससे यार मेरी वीडियो अच्छे से यार शूट हो जाती है। तो अभी फिलहाल में बस इतना है, बट मेरे जैसे 10,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाले हैं, और जैसे यार 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे कंप्लीट, तो हम इसके लिए एक नया स्टूडियो बनाने वाले हैं, जो एक मेरे खुद का घर है। तो मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा कि मैं वहाँ पर एक नया स्टूडियो बनाने वाले हैं, तो किस तरह का वो स्टूडियो बनाएंगे वो मैं आपको उसी वीडियो में बता दूंगा। तो यार बस मैं इस तरह से वीडियो शूट करता हूँ। तो यार बस मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, जो भी आपके पास है यार आप उससे शूट कर सकते हो, उससे आप बना सकते हो। देखो मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिंग लाइट है और एक मोबाइल फ़ोन है, और सिर्फ एक ये बोया का माइक है जो कि मैंने बहुत दिन पहले मंगाया था। बस ये सिर्फ 3 चीज़ें, और मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू शूट करता हूँ, और मैं कंटिन्यू एडिट भी करता हूँ, और इन चीज़ों का यार मैं यूट्यूब पर अपलोड भी करता हूँ। तो यार आप भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, तो यार आप भी कर सकते हो। तो यार मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आपके पास जो है आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे आपके पास इनकम आने लगती है, आपके पास पैसा आने लगता है, तो यार आप उससे धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करके धीरे धीरे चीज़ें मंगा सकते हो, जिससे कि आपका धीरे धीरे करके एक स्टूडियो भी यार कंप्लीट हो सकता है। तो भाई जैसे यार आप लोगों ने देख लिया कि मेरा बैकग्राउंड किस तरह से, अगर मैं अपनी वीडियो कैसे शूट करता हूँ। अभी मैंने पीछे दरवाज़ा लगा दिया, अब मैं बाहर आ गया, क्योंकि यार बाहर थोड़ी रोशनी है, जिससे कि बाहर मेरी रोशनी मेरे चेहरे पर अच्छे से पड़ेगी, तो यार थोड़ा बहुत वीडियो क्लियर आएगा, इसलिए मैं बाहर शूट कर लेता हूँ। और मैं कभी यार रिंग लाइट चालू करके अंदर भी शूट कर लेता हूँ। तो ये मेरा कुछ सेटअप था, जो कि मैंने कुछ थोड़ा सा सेटअप बना रखा था, जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो यार गाइस वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक कर देना, चैनल में नया यार तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर से एक नंबर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।